हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिरीन एंड वेलकम टू माय चैनल शिरीन उम्मी फाजिल। आज के हमारी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉन्ग वॉवेल ओ एंड लॉन्ग वॉवेल यू साउंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लॉन्ग वॉवेल ओ साउंड्स, जिसमें कि एंडिस्टेड हैं ओ ए और ओ ई, जिनका कि साउंड ओ ही होगा। ओ ए मिडिल में आता है हमेशा और ओ ई हमेशा लास्ट में आता है, जिसमें कि हमने फर्दर और फैमिलीज़ को डिवाइड किया है और फैमिलीज़ में लाइक ओ ट, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स होंगे क ओ ट, ग ओ ट, ब ओ ट, सिमिलरली ओ ड, ओ प, ओ क, ओ स्ट, ओ ल एंड ओ उफ। इससे रिलेटेड आप वर्ड्स अपने बेबी को सर्च करके दे सकते हैं और उन्हें रीड करने के लिए दे सकते हैं, जो कि बहुत इजी वर्ड लिस्ट है। सिमिलरली ओ ई के लिए अगर हम वर्ड सीखेंगे तो वो होंगे ट ओ, फ ओ, ड ओ एंड ह ओ। लॉन्ग वॉवेल में ही ओ आई और ओ वाई भी आते हैं, जिसमें कि साउंड होगा ओय और ओई। तो इनका क्या रूल होगा? दिस इज़ द रूल कि अगर ओ आई कम्स इन द मिडल इफ़ द वर्ड इज़ वन सिलेबल, और ओ वाई एंड में आता है आएगा इफ़ द वर्ड इज़ वन सिलेबल, लाइक ऑयल, बॉइल, सॉइल। इसमें ओ आई आया है और वो मिडल में है। अगर ऑय का साउंड लास्ट में आएगा किसी भी वर्ड के तो वो ओ वाई लिखेंगे, ना कि ओ आई। सिमिलरली अगर लॉन्गर वर्ड होगा तो ओ आई मिडिल में ही आएगा, लाइक अवॉइड। इसमें ऑई साउंड बीच में है और ये लॉन्गर वर्ड है, या चॉइस। और सिमिलरली अगर ओ वाई है और उसके लिए लॉन्गर वर्ड है तो वो आइदर एंड में आता है या फिर बीच में अगर आएगा तो दैट इज़ फॉलोड बाय अ वॉवल, एट द एंड और बिफोर अ वॉवल। ओ आई की जो पोजीशन होगी उसके लिए ये रूल होगा। तो ये आपको बेबीज़ को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ उन्हें डिक्टेशन में या फिर कभी भी लिखते टाइम ओ आई कब यूज़ करना है या ओ वाई कब यूज़ करना है। और ये बहुत इजी रूल है। अब आप देखेंगे कि लॉन्ग वॉवेल यू साउंड, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें एनलिस्टेड हैं यू ई एंड ई डब्ल्यू, जिनका भी साउंड होगा यू। और यहाँ पे आप देखेंगे स्पेलिंग रीड करते टाइम कि दिस इज ड्यू, ट्यू, इट इज समवॉट कॉल्ड इज यू एंड दिस इज यू, क्यू, ड्यू, ह्यू, आर, क्यू, ई, शू, क्यू, वैल्यू, टिश्यू, रेस्क्यू, ब्लू, ग्लू एंड टिश्यू। और जब आप इन्हें रीड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा यू साउंड आता है, तो बच्चों को इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना यानी आना चाहिए, या फिर उन्हें रीड करते टाइम कि ने फ्यू, ब्लू, क्र यू, ड्र यू, तो ये उनको जब वो रीड करने लगेंगे और वर्ड्स को यूज़ करने लगेंगे तो उनको इस चीज़ का नॉलेज अपने आप होगा। रीडिंग के साथ साथ भी बच्चे कुछ चीज़ें सीखते हैं। अब आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी वर्कशीट है, रीड एंड री ड्रॉ। अभी तक हम बच्चों को बहुत कुछ लिखने के लिए देते थे तो वो शायद अब इन्जॉय ना करें, तो इसीलिए आप उन्हें सिर्फ रीड करने के लिए दीजिए और री ड्रॉ करने के लिए दीजिए। दिस इज़ ओ ए वर्ड और ओ डब्ल्यू वर्ड, तो यहाँ पे आप गोट, तो यहाँ पे उन्हें री ड्रॉ करने के लिए दीजिए और जस्ट रीड करने के लिए, लाइक बो, ग्रो, स्नो, कोट एंड सोप। तो बच्चों को जब वो रीड्रॉ करेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा, उन्हें वर्ड लिस्ट अच्छे से याद हो चुकी होगी। आप किसी भी लेवल पे जब बच्चों को शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल्स का नॉलेज हो जाएगा, वो साउंड्स अच्छी तरीके से समझने लगेंगे, तो आप उन्हें स्टोरी रीडिंग के लिए दे सकते हैं। तो वो कोई सी भी स्टोरी हो सकती है, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज बुक्स अवेलेबल हैं या गूगल पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले लें। तो ये एक स्टोरी टाइम, जो हमने एक स्टोरी लिखी है, ये भी फाजिल को हमने रीड करने के लिए दी थी और इसकी रीडिंग वीडियो आपके साथ कंटिन्यू आगे शेयर की गई है। हेलो फाजिल। हेलो मम्मा। शैल वी रीड योर स्टोरी? यस। कम ऑन रीड। सिम्बा कैन रोल। सिम्बा वाज अ कब, ही लाइक टू रोम। व्हेन द सन रोज, सिम्बा ran in the field. It
not grown yet, you must stay with the pride. We lions are so big, we do not need to roam like other animals. We can roar. Okay, Mom said, Simba's. I will stay with the pride. Simba will roar. Be happy, healthy and safe. Enjoy videos with Umme Fazil.